हेलो स्टूडेंट्स, हम एमके जेन क्लासेस में टाइम टू टाइम आपके लिए जो भी नए एग्जाम्स होते हैं या कोई नई जानकारी है तो उसका डिस्कशन करके और आपको हम बताते रहते हैं। आज उसी ऑर्डर में आप जानते हैं आपके टर्म वन के क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम्स चल रहे हैं। आज आप सब लोग फिजिक्स का पेपर दे के आए हैं और 14th को वही टाइम 11:30 से लगा के 1 o'clock के बीच में आपके केमिस्ट्री का टर्म वन का पेपर होने वाला है। एंड एज यू नो 50% आपके मार्क्स का फैसला हो जाएगा इस टर्म वन के एग्जाम में। तो टर्म वन का एग्जाम आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री में कैसे तैयारी कर रही है आपको, क्योंकि यू नो केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये अटेंशन मांगता है आपका और कुछ नहीं है। इसमें पूरा अटेंटिव होके आपको पूरे कोर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो कौन कौन से चैप्टर है रिया मिस? अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में है सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशंस के बाद में है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में यही चैप्टर्स है। उसके बाद में है बायो मॉलिक्यूल्स, एल्काइल हैलाइड और आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये तीनों हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और आपका एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अपने बड़ा ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके जितने भी नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें। पर पढ़ते वक्त ये जरूर ध्यान दें कि आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि क्लास में आपको नीट, आईआईटी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ाया जाता है। तो इसका ध्यान जरूर दें कि आपके अभी टर्म वन में कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके हैं, उनको अभी के लिए ना पढ़ें, उनको बाद के लिए सेव करें। हाँ, क्योंकि वो जो टॉपिक है उसमें से कुछ को उन्होंने इलिमिनेट किया है सीबीएसई में, तो जो इलिमिनेट वाला पार्ट है उसमें से तो कुछ आने वाला नहीं है, ये तो तय है। तो जो फोकस वो इरिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप नीट में, आईआईटी में तो उसकी, क्योंकि अपने यहाँ एसआईपी चलता है तो आप नीट आईआईटी पूरा कोर्स ही हम कराते हैं, लेकिन कम से कम उनको अभी आप टच न करें। जैसे अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक में कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, एक अच्छा बड़ा टॉपिक है बट सीबीएसई ने उसे रिड्यूस कर दिया है, तो इस चीज का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। वैसे भी अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक बार पहले सिलेबस देख लें, जो जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उन्हें कट कर दें अपनी कॉपी में से, और जो आपके एग्जाम में आने वाला है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें। प्लस एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई कर लें। एंड मोमेंट है तो एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखें। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको एक पेज पर लिख कर एक साथ याद कर लें। ऑर्गेनिक में अगर बात करें, सारी नेम रिएक्शंस को एक साथ लिखकर एक ही पेज पर समराइज कर और उन्हें बार बार रिपीट करते जाएं। वैसे तो आपने पहले भी सारे रिवीजन कर चुके होंगे, या आपका आखिरी टाइम है जब आप रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, तो बहुत जल्दी हो जाने वाला है। बट अगर आखिरी टाइम पे आपने नहीं किया तो जो पहले पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। पूरे टाइम दें और पेपर एवरेज नहीं है, मानकर चले कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, तो उसी तरीके से उसी लेवल पर जाकर पढ़ाई करें। और ये जो पेपर डिफिकल्ट वाली बात की है, इससे आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, या ऐसा नहीं कि हम आपको डरा रहे। हम आपको जो इंग्लिश का पेपर आया, जो फिजिक्स का पेपर आया, उन सब पेपर के उसके स्टैंडर्ड को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि पेपर बिलो एवरेज नहीं आएगा, वो एवरेज या अबाउ एवरेज आएगा। तो रिया मिस ने आपको बताया कि क्या क्या करना है, मैं उसमें और थोड़ा सा ऐड करूंगा कि आपके पेपर तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनने वाले कहाँ से, बनने वाले तो वहीं से हैं। तो आपको इन टेक्स्ट के सोल्ड, अनसोल्ड, बैक साइड के क्वेश्चन, इन सब को आपको अच्छी तरह से करना है। और तीनों अलग अलग पार्ट है, जैसे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छी तरह से तय कर लीजिए कि जो नेक्स्ट 3 days आपके पास प्रिपरेशन के लिए है आपके पास में, रोजाना आपको उस वो जो पी ब्लॉक का एक चैप्टर है उसको 1.5 hours देना ही है। अगर 2 hours दे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 1.5 hours तो देना ही है, क्योंकि वहां पर जितना याद होगा उतना ही आप वहां पर कर पाएंगे, नया कुछ होने वाला वहां पर नहीं है। क्लियर? दूसरी चीज, जहां तक सवाल है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर है, एल्किल हैलाइड भी बड़ा है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर भी बड़ा है,
तो अब जब आपको पढ़ाया था तब भी आपको हम बताते हैं कि नेम्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम्स रिएक्शन में से चाहे वो स्वार्ट्स रिएक्शन हो, फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो, वुड्स रिएक्शन हो, वुड्स फिटिगो, फिटिगो, राइमर टिमानो, सब इंपॉर्टेंट है। तो नेम्स रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे ये तो तय मान के चले। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को सारा देख ले, जैसे एल्काइल एलाइड में SN1 और SN2, मान के चलो SN1 और SN2 में से दो क्वेश्चन आने ही हैं। कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, या ऑर्डर क्या होगा, किसमें रेसिमाइजेशन होगा, किसमें इन्वर्जन होगा, किसमें रिटेंशन होगा, ये सब चीजें जो आने वाली है। और इसीलिए मैं कहता हूं केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मतलब एक्सेप्शनल केसेस, जैसे ईथर आप पढ़ोगे तो जैसे वहां है इथाइल मिथाइल ईथर, तो क्लीवेज कहां से होता है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप से। लेकिन अगर आपको वहां पर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है तो मान के चलिए क्लीवेज भी बड़े से होगा, बिकॉज टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आपको पढ़ाते हुए भी हम सिखाते हैं कि केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। तो उन सब चीजों को ध्यान से देखिए, एंड 2 घंटे डेली, 2 से 2.5 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, 3 दिन देने आपके, जो 3 दिन आप 6-7 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देंगे इनफ है। अब आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है तो जैसा रिया मिस ने बताया फॉर्मूले, सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पर लिख दीजिए, उन्हें याद कर लिए, और फिर उसके बाद आपको जो सैंपल पेपर्स दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए उन फॉर्मूलाज के बेसिस पर। तो ये जो सैंपल पेपर वाली बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 3-3 सैंपल पेपर, और हमने नहीं दिए, जो व्यूअर्स है हमारे, वो हो सकता है हमारे स्टूडेंट भी नहीं हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मार्केट में या स्कूल में सैंपल पेपर तो दिए हैं आपको, नहीं तो CBSE की साइट पर है। अभी हमने पुराने पेपर देखे हैं, सारे के सारे CBSE के साइट्स में से आए हैं। तो आप उन पेपर्स को जरूर करें, दम लगा के उन क्वेश्चंस को करनी है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को जो एग्जाम में होने वाला है वो पहले करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने आपको सिंपली बताया है कि क्या क्या करना चाहिए। और कोई एडिशन इनको करना चाहिए या मिस? और तो बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिविजन, मतलब अगर आपको एक बार सब कुछ आपने पढ़ लिया है, टाइम बच रहा है, तो ये ना सोचिए मैंने तो सब पढ़ लिया, मैंने तो सब पढ़ लिया। कंटिन्यूअसली 3 से 4 बार अगर आपके पास टाइम है तो बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से ही आपका पेपर अच्छा हो पाएगा, और इनऑर्गेनिक में तो याद ही तभी होगा, 4 से 5 बार पढ़ेंगे उसी चीज को तो ही याद हो पाएगा और तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। एक्सेप्शनल केसेस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शनल केसेस से ही आता है। तो मोटे मोटे तौर पर एक फ्रेम तो हमने बना दी है कि आपको क्या करना है। देखो आज का दिन आपका है, आज रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, आज आपका है, कल तो आपका नहीं है। आप एग्जाम के दिन सोचोगे कि यार इतना टाइम और मुझे मिल जाता तो क्या होता, तो वो तो टाइम उस दिन मिलना है नहीं है, फिर तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बढ़िया बात तो यही है कि आज ही दे दो आप, तो विदाउट एनी कंप्रोमाइज। सब कोई माइंड में ऐसा मत रखो कि वहाँ कोई जिन आ जाएगा और आपको बता देगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, ये जो यू नो शेख चिल्ली के जो सपने आते हैं रात को नहीं पढ़ने वालों को, उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ आप, या आसान सा पेपर आ जाएगा, है ना, या आसमान से कोई जो है वो आकाशवाणी होगी कि क्वेश्चन नंबर इसका ये राइट है, ऐसा होता है नहीं है। आया समझ में? तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न दें, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो भगवान बराबर आपकी मेहनत का आपको फल जरूर देंगे। और पढ़ते समय डरे नहीं, तो अभी से डर हो गया कि कैसा आएगा क्या आएगा, क्योंकि हमने तो गीता में लिखा हुआ है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो आप कर्म करें, दम लगा के करें। आपके पास ये 4 दिन है, आज 10 तारीख है जब हम इस वीडियो को डाल रहे हैं, तो 11, 12, 13 3 दिन पूरे हैं, और 14 का सुबह भी आपके पास में है। जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगा दीजिए, और पेपर को बिल्कुल आपको अच्छी तरह से करना है। तो ऑल द बेस्ट टॉप 1 के लिए, हमने जो आपको गाइडेंस दी है उसको फॉलो करें। और एक बात जरूर है कि जो टीचर का रजिस्टर जो आपने जिस भी कोचिंग में पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, जैसे भी नोट्स है, जो अपने हाथों के नोट्स है, उसको जरूर देखें। उसको कई बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, अब टॉप 1 का कुछ नया करते हैं। नया करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके हाथ से लिखा हुआ है, आपके टीचर ने बताया है, उसी से आपको फायदा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर टॉप 1 एग्जाम, एंड आई होप
आपका ये एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, सुपीरियर होगा, पेपर भी अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।